हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लाल मिर्च का अचार डालने जा रही हूँ। चलिए अब हम देखते हैं हमारी लाल मिर्च का अचार किस प्रकार बनता है। ये मैंने 2 किलो के अंदाज लाल मिर्च ली है। इन्हें मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और एक सूखे कपड़े से साफ कर लिया है। ये मैंने 1 किलो के अंदाज सरसों का तेल लिया है, जो कि हम इस लाल मिर्च के अंदर डालेंगे। 100 ग्राम के अंदाज मैंने राई ली है और 100 ग्राम के अंदाजी मैंने सौंफ ली है। 1 चम्मच हींग लिया मैंने, 1 चम्मच काला नमक लिया है। ये मैंने मिर्च ली है, जो कि हम इसके अंदर डालेंगे। 150 ग्राम के अंदाज मेथी ली है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर डालेंगे। मिर्च के अंदर लाल मिर्च सूखी डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर हम अपने सारे मसाले रोस्ट करेंगे। याद रहे, आपको मसाले धीमी आंच पे ही रोस्ट करने हैं। आपको 5 मिनट के लिए मसालों को हल्का हल्का भूनना है। अब हमारे मसाले सिक चुके हैं, अब हम इन्हें ग्राइंडर में पीस लेंगे। मसालों को आपको दरदरा ही पीसना है। देखिए, हमने मसाले पीस लिए हैं। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। जो हमने हींग ली थी वो इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच काला नमक, अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। ये मैंने 4 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करा है। 2 चम्मच लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम जो हमने सरसों का तेल लिया था, इसको गरम करेंगे। अब हम सब मिर्चों में कट लगा लेंगे। इन सब में हमें मसाला भरना है। देखिए, हमने सारे मिर्चों को कट कर लिया है। गर्म हो चुका है, अब हम इसको ठंडा करेंगे। तब तक हम अपनी मिर्ची के अंदर मसाला भरेंगे। इसी तरह हम सारी मिर्ची के अंदर मसाला भर लेंगे। देखिए, सारे मिर्च के अंदर हमने मसाला भर लिया है। अब हम इन मिर्चों को डब्बे के अंदर डालेंगे। देखिए, हमारा तेल ठंडा हो चुका है। अब हम इस तेल को मिर्च के अंदर डाल देंगे। अब हमारा मिर्च का अचार तैयार।